पांच दिनों में भी जला ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से ऊर्जा मंत्री का पुतला फूका। ताजपुर समस्तीपुर से नसीम रब्बानी के साथ अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। ताजपुर समस्तीपुर में पांच दिनों से जला अस्पताल चौक का ट्रांसफार्मर अविलंब बदलने समेत ताजपुर नगर परिषद एवं प्रखंड के तमाम जले एवं खराब ट्रांसफार्मर बदलने, ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर के जगह अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, जर्जर तार, पोल, स्विच, हैंडल आदि बदलकर प्रतिदिन 22 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने, प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने आदि मांग को लेकर मंगलवार को इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अस्पताल चौक पर ऊर्जा मंत्री का पुतला फूंका। आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, बिजली लगातार रहती है लेकिन फिर भी आप लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए, जिलाधिकारी, सुप्रिंटेंडिंग अधिकारी, कार्यपालक अभियंता लगातार बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 24 घंटा से 48 घंटा के अंदर जला हुआ ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। आज ताजपुर के सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पाँच दिन से यह ट्रांसफार्मर, जबकि ताजपुर का हार्ट, हृदय स्थल है अस्पताल चौक, पाँच दिन से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। भीषण गर्मी में लोग पंखा और कूलर की हवा खाने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। जलापूर्ति बंद है लेकिन पाँच दिन के बाद भी यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। हम जिलाधिकारी समेत विद्युत अधिकारी को बताना चाहते हैं कि आपके 24 और 48 घंटा में ट्रांसफार्मर बदलने की घोषणा का क्या हुआ, आप इसे बता दें। अस्पताल चौक का ट्रांसफार्मर बदले, ट्रांसफार्मर पर स्विच, ब्रेकर, हैंडल, एवी स्विच, एमसीबी जो खराब है उसको बदलिए, तमाम जर्जर तार को बदलिए, पावर वायर लगाइए, अतिरिक्त जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर से ज़्यादा अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाइए और ताजपुर में प्रतिदिन कम से कम 22 घंटे बिजली का व्यवस्था कीजिए। आप जो प्रीपेड लगा रहे हैं प्रीपेड मीटर, यह प्रीपेड मीटर तेज चलता है, जनता की शिकायत है, प्रीपेड मीटर लगाना बंद कीजिए। और विद्युत विभाग को आप मात्र बिल वसूलने वाली संस्था बनाए हुए हैं, इसे मानव कल्याण का संस्था बनाए। प्रीपेड मीटर की जो बात कर रहे हैं ये तो ऊपर का मामला है, देखिए वरीय पदाधिकारी का मामला है, सरकार का मामला है हम लोग, लेकिन इसमें 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए बिल फ्रॉड करना पड़ता है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये ऊपर का मामला है, हम लोग इस मामला को लेकर के पूरे राज्य में लड़ रहे हैं और समस्तीपुर ताजपुर के अधिकारी को भी हम यहाँ से बताना चाह रहे हैं कि हमारा आंदोलन का तरीका है, आप हमारे प्रीपेड मीटर रोक लगाने की मांग को ऊपर तक पहुँचाइए। और ये मीटर गरीब विरोधी है, यह उपभोक्ता विरोधी मीटर है, ये मीटर ज़्यादा तेज चलता है, अगर घर में शॉर्ट सर्किट हो गया, 5 किलोवाट उस समय दिखा दिया तो यह मीटर ऑटोमेटिक 5 किलोवाट फाइन कर देता है। ये मीटर सुधार के लिए समस्तीपुर में कोई व्यवस्था नहीं है, यदि आप पैसा जमा कर दिए, लाइन आपकी कट गई, रिचार्ज नहीं हो पाया, विद्युत आपका बंद रहेगा और इसके लिए सुनवाई के लिए नीचे में कोई इसका उपाय नहीं किया गया है, व्यवस्था नहीं बनाया गया है, इसीलिए जब तक पूरा व्यवस्था नहीं हो पाता है तब तक प्रीपेड मीटर पर रोक लगाने की हम मांग करते हैं। अभी तो आप सरकार में है ना, अभी सरकार चल रही है आप लोगों की गठबंधन की, तो क्यों नहीं अब आवाज़ सरकार की आती है? आपको ये बता दें कि जिस समय भाजपा माले महागठबंधन के साथ सरकार में थी उस समय भी हम सवाल उठा रहे थे और एक बार फिर से नीतीश बाबू पलटी मार करके भाजपा के साथ जाकर के डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। हम इस डबल इंजन की सरकार से भी मांग करते हैं कि प्रीपेड मीटर पर रोक लगाइए और विद्युत जो मात्र बिल वसूली की संस्था बन गई है इस पर भी रोक लगाइए, नहीं तो जनता के साथ मिलकर इनौस इनकलाबी नौजवान सभा भाजपा माले आंदोलन को तेज करेगी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह प्रखंड सचिव भाजपा माले तक। अभी कितने दिनों से लाइट कटा हुआ था यहाँ अस्पताल चौक का ट्रांसफार्मर? लगभग 3-4 महीने से खराब चल रहा था, डेली स्पार्क होता था, आवाज़ होता था, धुआं निकलता था। 5 दिन पहले इसको डेड घोषित कर दिया गया, जल गया, लेकिन 5 दिन में भी यह ट्रांसफार्मर अभी तक लग नहीं पाया। समस्तीपुर जिले के जो बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता किया कि नहीं? जी जी, उन तक जानकारी है, उनके व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से उनको जानकारी दिया जा चुका है कि ताजपुर के अस्पताल चौक का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, इसीलिए अविलंब इसको बदलवाइए। बावजूद 5वां दिन भी अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है, जला हुआ ट्रांसफार्मर आप हमारे आंदोलन के पीछे देख रहे हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र प्रसाद सिंह प्रखंड सचिव भाजपा में लेता है।